Good morning, students. Today we will study about the classification of squared matrix. Square matrix is classified as the diagonal matrix and triangular matrix. So first, let's study about the diagonal matrix. The matrix in which all entries outside the main diagonals are zero. That is Aij 0 when I is not equals to j. इसमें हम क्या कह रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि मेन डायगनल क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस आई हैव टेकन दिस d1 d2 d3. दिस इज द मेन डायगनल फॉर दिस मैट्रिक्स. मेन डायगनल मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डायगनल्स. इन दिस ऑल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के जीरो हैं. सो दिस इज द डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आउटसाइड द मेन डायगनल्स आर जीरो. इन द रिमार्क आई हैव मेंशन सी दिस इज ऑल्सो द डायगनल मैट्रिक्स बिकॉज हम डायगनल मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स मेन डायगनल को छोड़कर जीरो होंगे. वी आर नॉट सेइंग कि मेन डायगनल के एलिमेंट्स दे कैन बी जीरो और दे कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास मेन डायगनल और प्रिंसिपल डायगनल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. Elements can be zero or they cannot be equals to zero. But the only restriction is that all elements outside the main diagonal should be equals to zero. Null matrix is also the diagonal matrix provided it is the square matrix. Diagonal matrix is further classified as the scalar matrix and identity matrix. See now the scalar matrix. Diagonal matrix is said to be the scalar matrix if its diagonal elements are same. Diagonal matrix को हम scalar matrix कब बोलते हैं, जब इसके diagonal elements same होते हैं. For example, these two matrices I have taken. In the first matrix, the diagonal elements this is a principal diagonal, correct? 2, 2. Both the elements are equals to 2. And next is a matrix of order 3x3 in which the principal diagonal elements are -1. So in these two matrices the principal diagonal elements are same. So these two matrices are called as the scalar matrix. Now next is the diagonal matrix is said to be the identity matrix in which diagonal elements are 1. अब इसमें रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि डायगनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगी, जब उसके डायगनल एलिमेंट्स 1 होंगे. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में हमारे डायगनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए बट दे कैन बी एनी रियल नंबर. बट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स द रिस्ट्रिक्शन इज दैट द डायगनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल्स टू 1 ओनली. So it is the identity matrix of order 3. Identity matrix is denoted by IN, where N is the order of the matrix, where N is also greater than or equals to 2. So here I am writing N is greater than or equals to 2. इसका क्या मतलब है, क्या N 1 value नहीं ले सकता? I'm clearing this question. If N is equals to 1, then I1 is a square matrix. कि अगर हम n को 1 लेते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसमें कोई भी जीरो नहीं है. बट फॉर द डायगनल मैट्रिक्स द प्रेजेंस ऑफ जीरो इज मस्ट. अगर आप डायगनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जीरो की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई वी टेक I1 अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं देन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. But we cannot say that it is also the diagonal matrix. Coming up to the triangular matrix. Triangular matrix is of two types. First is the upper triangular matrix and next is the lower triangular matrix. Upper triangular matrix in which all elements below the principal diagonal are zero. See now here 1, 5, 4 is the principal diagonal and all the elements below
इस प्रिंसिपल डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हम ऊपर प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। दे कैन बी जीरो और दे कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बट द रिस्ट्रिक्शन अपॉन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज दैट ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगनल मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ऊपर वाले चाहे जीरो हैं या नहीं हैं, जो प्रिंसिपल डायगनल के नीचे एलिमेंट्स हैं, दे ऑल शुड बी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इज द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगनल आर जीरो। इसमें सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन दैट कि प्रिंसिपल डायगनल के नीचे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या वैल्यू ले रहे हैं। दे कैन बी जीरो और दे कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बट द ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगनल शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फर्दर स्टडी अबाउट द ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। ओके?